अस्सलाम वालेकुम, कैनी गैस सेंटर से मखातिब हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस विंटर का सीजन चला गया है, तो अब समर सीजन आ रहा है। तो समर सीजन में हमारे पास जो सबसे ज्यादा हमारा हॉट ब्रांड होता है, जो सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाली चीज होती है हमारे पास, वो गैस तंदूर होती है। तो आज हमने एक नए मॉडल का एक स्पेशल मॉडल तंदूर तैयार किया है। तो उसके बारे में हम आपको मुकम्मल मालूमात देंगे, उसका तरीके इस्तेमाल के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट किस्म की जो भी वैरायटी हमारे पास आती है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर सके। अच्छा, उस हवाले से अगर बताता चलो तो ये देखिए, हमारे पास एक नया मॉडल का हमने फुली हैवी गैस तंदूर तैयार किया हुआ है। ये इसके अंदर हमने 16 गेज की चादर अंदर इस्तेमाल की हुई है। ये देखिए चादर की क्वालिटी के हवाले से बताता चलो तो ये कम इसकी जो वेट है तकरीबन 40 किलो के करीब है, 35 से 40 किलो वेट है इसके अंदर। और इसके अंदर फाइबर ग्लास लगाया हुआ है, ये देखें पंचिंग सिस्टम लगाया हुआ है इसके अंदर। आपका ये निचली साइड पे भी पंचिंग सिस्टम लगाया हुआ है, इसके अंदर फाइबर ग्लास इंस्टॉल किया हुआ है। और इसके अगर पैर को ये देखें पैर भी इसके अच्छे वाले, इसकी जो व्हील लगाए हुए हैं ये भी अच्छे वाली क्वालिटी के साथ वेल्डिंग करके लगाए हुए हैं, ताकि आप इसको पोर्टेबल कर सकते हैं। आगे पीछे अगर आपने लेके जाना होता है तो उसके लिए आपको इजिली आगे पीछे भी लेके जा सकते हैं। तो ये हमने जो स्पेशल मॉडल जो ये वाला तंदूर हमने जो तैयार करवाया है, ये सिलेंडर के लिए तैयार किया हुआ है। जैसे कि जो होटल वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो हाई प्रेशर वाले तंदूर इस्तेमाल होते हैं, इसे आप लो प्रेशर घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी तंदूर आ जाता है, तो मोस्टली ये होटल वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर की अगर क्वालिटी बताता चलूं, ये चादर की क्वालिटी देखें चादर की क्वालिटी बहुत अच्छी लगाई हुई है इसके अंदर। ये बहुत हैवी चादर लगी हुई है, इसके अंदर फाइबर ग्लास भी इस्तेमाल किया हुआ है और 3 तहों की चादर लगी हुई है इसके अंदर। अगर इसको उठाने का अगर कहें तो इसके अंदर कम से कम 35 से 40 किलो वेट इसका खाली तंदूर का वेट है। अच्छा, उसके बाद अगर इसके बर्नर की क्वालिटी बताता चलूं तो ये देखें, इसके अंदर हमने ये ढोलकी बर्नर इस्तेमाल किया हुआ है। ये साइडों से आग देता है, इसको मैं आपको चला के चेक भी करवाऊंगा और इसके अंदर 2 मिनट में ये खुद फुल गर्म हो जाता है, तो इसमें आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये देखें इसके इंजेक्टर की सेटिंग देख लें, ये देखें इंजेक्टर की सेटिंग दी हुई है इसको। ये वो जो वाल हमने इस्तेमाल किया है, ये हाई प्रेशर के लिए होता है होटल वगैरह के अंदर ज्यादातर, जैसे ज्यादा तादाद में रोटियां पकानी होती है तो वहां पर ज्यादा तादाद में जो है ना रोटी पकाने के लिए हाई प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है, जो एलपीजी में सबसे ज्यादा कामयाब है। तो इसके अंदर हमने इंजेक्टर जो लगाया हुआ है ये भी देगी वाला लगाया हुआ, ताकि आपके जिस तरह के भी अगर प्रेशर कम भी हो तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, अगर आपने जितना भी प्रेशर लेना हो तो इसके अंदर आपका काम। अच्छा, अगर इसकी अगर आपको और फिटिंग के हवाले से अगर आपको मैं बताता चलूं तो ये देखें, इसके अंदर जो हमने फिटिंग की है, इसके अंदर हमने टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल किया है, ताकि अगर हाई प्रेशर के अंदर जो अगर आपके लीकेज होने के चांसेस होते हैं तो वो बिल्कुल भी लीकेज होने के चांसेस ना होंगे। तो इसके अंदर वाल भी हाई प्रेशर हमने हैवी वाला लगाया हुआ है, तो इसके अंदर बाकायदा एयर का सिस्टम भी दिया हुआ है, ताकि आपके जो अंदर जो कालापन आता है, जो अक्सर औकात ये होता है कि उसके अंदर कालापन आ जाता है, तो वो कालापन को खत्म करने के लिए इसको जो है ना हमने एयर सिस्टम भी दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर दिखाता चलूं तो ये देखें, यहाँ पे इंजेक्टर के अंदर ही जेट लगा हुआ है, जेट हमने लगाया हुआ है, ये सिलेंडर के लिए लगाया हुआ है। तो ये इंजेक्टर बाद में सादा इजिली मिल भी जाता है, तो ये 60-70 रुपए का जो है ना मिल भी जाता है। तो इसके बाद जो है ना अगर आप ये अगर स्विच गैस पे चलाना चाह रहे हैं ना तो स्विच गैस पे भी मिल सकता है, तो इसमें इतनी कोई टेंशन नहीं होती। तो इसके बाद मैं आपको जला के चेक भी करवा देता हूँ, तो इसके तरीके इस्तेमाल के बारे में भी बता देता हूँ आपको। अच्छा, इसके बाद अगर ये भी दिखाता चलूं, ये देखें इसके अंदर ये पंचिंग भी अच्छे वाली दी हुई है, ये पंचिंग करके रखा हुआ है, ताकि आपके इसके अंदर जो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना अलग होने के चांसेस ना हो, और ये हैंडल भी काफी हैवी लगाए हुए हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ, ये देखें वो हमने एलपीजी का सिलेंडर रखा हुआ है, इसके हम बकायदा हम आपको चला के चेक करवाते हैं। ये देखें गैस जैसे ही खोली है तो ये आवाज आनी शुरू हो गई, ये इसके अंदर गैस ये देखें, ये देखें ये सिलेंडर पे, ये लेटेस्ट मॉडल का न्यू मॉडल का जो हमने तैयार किया है, ये सिलेंडर पे बना बनाया चूल्हा है। इसमें अगर आपके शोले के हवाले से अगर देखते चलेंगे तो काफी हीट आ रही है इसके अंदर, और इसके अंदर आपके जो है ना ये साइडें जो है जल्दी काली भी नहीं होती, और इसके अंदर हीट की वजह से ये देखो चारों तरफ से इक्वल लाइट दे रहा है, और इसके अंदर ये जो है ना अगर आप रोटी भी पकाएंगे तो इसके चारों तरफ से एक जैसा रिजल्ट मिलेगा। ये देखें कैसे जबरदस्त प्रेशर है, तो इसको अगर हाई प्रेशर पे चलाएंगे तो इससे भी ज्यादा प्यारा प्रेशर देगा, क्योंकि हमने जो इसके अंदर जेट लगाए हुए हैं वो थोड़े से हैवी वाले लगाए हुए हैं, हाई प्रेशर वाले लगाए हुए हैं। और ये साइडों पर रोटी अगर इसकी हीट की बात करते चलो तो ये अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था दूर चलाए हुए, ये फुल बटा फुल गर्म हो गया। ये देखें ये सेटिंग की हुई है, ये सिलेंडर भी पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये देखें ये सिलेंडर के अंदर ओके हो गया है। तो ये थी हमारा एक नए मॉडल का तंदूर जिसके बारे में मैंने आपको रिव्यू देने थे। तो अगर इसके अगर कोई स्पेशल ऑर्डर भी होता है तो उसके मुताबिक भी हम तैयार करके दे सकते हैं, तो ये कमर्शियल ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।